बड़ी खबर, पंजाब में अशांति फैलाने के पीछे क्या कोई विदेशी साजिश है? पंजाब पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी का दावा करते हुए यही खुलासा किया है। धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर पंजाब उबल रहा है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, भटिंडा, हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई दिनों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दुकानें बंद, बाजार बंद, सड़कों पर या तो प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, पंजाब में अशांति के पीछे विदेशी कनेक्शन। पंजाब पुलिस ने सूबे में फैली अशांति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एडीजीपी क्राइम आईपीएस सहूता के मुताबिक फरीदकोट पुलिस ने फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में हुए धर्मग्रंथ के कथित अपमान के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान रूपिंदर सिंह और जसविंदर सिंह के रूप में हुई है। इनके कॉल रिकॉर्ड को खंगालने के बाद पुलिस ने पाया कि ये लगातार दुबई और ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे थे। हमने एज पर लॉ इनकी कॉल इंटरसेप्शन ली थी, उनसे पता चला है कि भी इन्होंने ये घिनौनी हरकत की है और इनकी कॉल जो है बाहर आउट ऑफ इंडिया दुबई और ऑस्ट्रेलिया से भी बात होती रही है। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बैठे मास्टरमाइंड के कहने पर इन दोनों भाइयों ने पैसे के लिए इस घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि फरीदकोट के बाद पूरे पंजाब में हंगामा मच गया। जो भी सच्चाई होगी आने वाले दिनों में, इसके पीछे से कौन से अब्रॉड में कौन से आदमी इनके पीछे काम कर रहे हैं और क्या प्लानिंग वो कर रहे, वो आपके सामने आ जाएगा। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं पंजाब की शांति बिगाड़ने के पीछे पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन या खालिस्तान से जुड़ा कोई संगठन तो नहीं है। पुलिस दोनों भाइयों के बैंक लेन देन की भी जाँच कर रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।